चीज़ आई है मार्केट में यार, वो भी कोई मेरी तस्वीर लगा के कोई बयान कर रहा था, हालांकि उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। हाँ, YouTube की मोनेटाइजेशन पे मेरी तस्वीर लगाई एक मोहतरम ने और कहा कि YouTube पे जो है ना इनके पता नहीं किस तरह की लड़कियां आती हैं और ये हराम कमा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, मौलवी हराम कमा रहे हैं, ठीक है ना, और मैं हराम नहीं कमाता, मैं क्या करता हूँ, हलाल कमा, समझ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े उलमाए जिनकी जो स्पीचेस जब YouTube पे जाती हैं तो उनका चैनल पहले से क्या है, मोनेटाइज है, तो उनकी तस्वीर आप क्यों नहीं लगा रहे। दूसरी बात ये कि अगर ये इश्तिहारात से आने वाली आमदन हराम है तो टेलीविज़न तो पूरा इन्हीं इश्तिहारात पे चल रहा है, तो टेलीविज़न में जितने टीवी एंकर हैं सबकी आमदन क्या है, बोलते क्यों नहीं हराम है, इसलिए कि उनको तनख्वाहें तो टीवी उसी चैनल से एडवर्टाइज से कमाई हुई अर्निंग से, जो न्यूज़ चैनल में जो बैठा हुआ खबरें पढ़ रहा है उसको टीवी वाले के आबे जमजम बेच के पैसे अदा करते हैं तनख्वाह, यह अजवा खजूरों का बिजनेस है। यही जो एडवर्टाइज जो इश्तिहार चल रहे हैं इन्हीं इश्तिहार की अर्निंग से जो पैसा आता है टीवी के पास वो एंकर की जेब में भी जाता है, ठीक है ना। वो जो स्कॉलर्स आते हैं टीवी उनको हदफ देता है कि भाई एक घंटा आपने बयान करना है या इस पर बात करनी है, उसके इतने पैसे। उसमें शिया भी हैं, अहले हदीस भी हैं, सुन्नी भी हैं, बहुत सारे मेरे अलावा सब हैं उसमें, मैं नहीं जाता अक्सर, मैं टीवी पे आपको बहुत ही कम नजर आऊंगा। तो वो तो सारे क्या कर रहे हैं फिर, हराम कमा रहे हैं। लेकिन एतराज होगा तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब पे, तस्वीर लगेगी तो इसका मतलब समझ गए आप। इसका मकसद सिर्फ ये होता है किसी मशहूर शख्सियत को लगा के अपने व्यूवरशिप को बढ़ाना। अगर ये YouTube चैनल की मोनेटाइजेशन की अर्निंग हराम है तो भाई, और ये चैनल तो मैंने तो मोनेटाइज किया ही नहीं है, मैंने तो 10 दफा ये कहा है कि ये चैनल मेरे इख्तियार में, एक मुझे इसका पासवर्ड भी मालूम नहीं है, ठीक है, इससे बड़ी क्या बात होगी। ये तो लड़कों ने बनाया और इखलास से काम किया, उन्होंने मोनेटाइज किया। हाँ, ये जरूर है कि हमने बड़े इदारों से फतवा लिया कि मोनेटाइजेशन की अर्निंग हलाल है या नहीं है, तो जितने बड़े इदारे थे उनसे फतवा आया कि हलाल है। मेरे जहन में भी दलाइल थे हलाल होने के, लेकिन सिर्फ मैंने उस पर इक्तफा नहीं किया बल्कि दूसरे उलमा से भी फतवा लिया। और इसके हलाल होने के दलाइल हैं क्या, वो मैं डिटेल से कई बार बयान कर चुका हूं। फितना परस लोग उन दलाइल का कभी जवाब नहीं देंगे, बस एक तरफ जो है ना तस्वीरें लगा लगा के। तो भाई ये अगर हराम है ना, तो आप ये फतवा फिर मौलवियों पे इतराज ना करें। अपनी जिसने ठरक पूरी करनी होती है ना, मौलवियों की तस्वीरें लगा के गालियां देना शुरू कर देता है। फिर तो ये टेलीविजन के शोबे से जितने लोग वाबस्ता हैं सबकी आमदन क्या हो गई, हराम हो गई। उन सब पे आप कीचड़ उछालें कि सब हराम कमा रहे हैं, क्योंकि सब इसी एडवर्टाइज से कमाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो उनको अर्निंग मिल रही है एडवर्टाइज में, जो प्रोडक्ट है ना उसको प्रोमोट करने की मिल रही है, वो प्रोडक्ट अगर हराम है तो उससे हासिल होने वाली अर्निंग भी क्या है, हराम है। प्रोडक्ट अगर जायज़ है तो उसको पेश करने का तरीका अगरचे नाजायज हो, उससे अर्निंग हराम नहीं हो जाती। इसकी मिसाल है मोबाइल मार्केट में आपने किसी खूबसूरत सी लड़की को बिठा दिया मोबाइल बेचने के लिए। दुनिया में कौन सा पागल मुफ्ती ये फतवा देगा कि अब जो मोबाइल के पैसे आपको मिलेंगे वो हराम हो जाएंगे। फिर तो तारिक रोड में जो लड़कियां बैठी हुई हैं कपड़े बेचने के लिए उनकी अर्निंग भी हराम, और मोबाइल मार्केटों में लड़कियां भी बेच रही हैं उनकी अर्निंग भी हराम। हम ये कहेंगे भाई ये बेचने का तरीका ठीक नहीं है, लेकिन पैसे मोबाइल के दिए जा रहे हैं, लड़की देखने के नहीं दिए जा रहे। तो गूगल जो आपको पैसे देता है ना मोनेटाइजेशन के, वो लड़कियां दिखाने के नहीं देता, वो उस कंपनी की प्रोडक्ट को प्रोमोट करने के पैसे दे रहा होता है। हम गूगल से गुजारिश करते हैं लड़कियां मत लेकर आओ, लेकिन गूगल कहता है ये तुम्हारे बाप का चैनल नहीं है, ये मेरा है, मैं अपनी मर्जी से लेकर आऊंगा। ऐसे जैसे आपने किसी को दुकान किराए पर दी, अब वो किराए की दुकान में लड़की को बिठा के मोबाइल बिकवाएगा तो दुकान के मालिक को गुना नहीं मिलेगा। दुकान का मालिक कहेगा भाई मैंने इसको बिजनेस के लिए चीज दी है, अब ये उसमें लड़कियों के जरिए मिसवा के बेचे या ये किसी और के जरिए, ये इसका हेडिक है, इसमें आप गुनाह में मुआविन और मददगार नहीं कहलाएंगे। आपने घर किसी को किराए पर दे दिया, वो फिल्में देख रहा है उसमें, तो मालिक मकान को थोड़ी गुना मिलेगा, तो घर तो आपका इस्तेमाल हो रहा है ना, चैनल तो आपका इस्तेमाल हो रहा है। तो इन लोगों में फिकही बसीरत बिल्कुल भी नहीं है। और फिर भी मैं कहता हूं अगर हराम ही कहना है आपने, तो सिर्फ मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तस्वीर लगा के क्यों आपने हराम होने का फतवा लगाया हुआ है, और भी बहुत सारे मजहबी स्कॉलर्स हैं और फिर टेलीविजन के एक एक एंकर की और जो जो उलमा उसमें आते हैं, अहले हदीस हैं या जो भी आते हैं जिनको उजरत मिलती है,
جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں کہ بھائی ہم, اور وہ علماء جو ٹیلی ویژن میں پیسے لیتے ہیں نا, وہ پیسے بھی غلط نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں تم جب ہمارے پروگرام سے اتنے پیسے کماؤ گے تو ہمیں فری میں کیوں بلا رہے ہو, تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے نا. تو وہ میں ان علماء پہ اعتراض نہیں کر رہا جو ٹی وی والوں سے پیسے لیتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ بھائی یا تو تم بھی فی سبیل اللہ کر رہے ہو نا, تو سب کے لگانے چاہیے اس میں. لیکن نہیں نہیں نہیں, تصویر کس کی لگے گی؟ اس سے اندازہ لگا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ باتیں ہیں.